कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के वासियों के लिए, नवाबों के लिए आज एक बड़ी खबर है। नगर निगम की तरफ से HDFC बैंक से एक अलायंस किया गया है, एक समझौता किया गया है, साझेदारी की गई है। अब अपना हाउस टैक्स आप जो है, गृहकर जो है, वो HDFC बैंक की किसी भी शाखा में आप इसका भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों, आज हजरतगंज में बापू भवन के पास HDFC की शाखा में महापौर संयुक्ता भाटिया पहुंची और उनके साथ में नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी, उनके साथ साथ संजीव कुमार जो ब्रांच बैंकिंग हेड है HDFC के और उत्तराखंड के, इनके द्वारा इन भुगतान सुविधाओं का आज उद्घाटन किया गया। मेयर संयुक्ता भाटिया ने पूरी बात लोगों को बताते हुए कहा, चूँकि गृहकर जो है हाउस टैक्स को लेकर के नगर निगम को बहुत सालों से दिक्कतें आ रही थी। पिछले एक साल से लगातार नगर निगम विभिन्न जगह पे कैंप लगा करके, कैंपेनिंग करके, सूचना दे दे करके जो करोड़ों अरबों के रुपए में हाउस टैक्स बाकी है उसको वसूलने का काम किया और काफ़ी कुछ वसूली भी करी। इस बीच में नगर निगम ने एक डुगडुगी का भी प्रोग्राम चलाया था कि जिनका ज़्यादा गृहकर बाकी था उनके आगे एक डुग्गी पिटवाई जाती थी, ताकि कहीं ना कहीं उपभोक्ता को शर्म आए, उसको ये लगे कि नहीं हाउस टैक्स दे देना चाहिए। तो उन सब आयोजनों के बाद आज मेयर संयुक्ता भाटिया ने HDFC बैंक से कोलैबोरेशन कर लिया है और HDFC बैंक जल्दी ही इसके लिए एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी स्थापित करेगा। और एक सबसे अच्छी बात यह कि आप पूरे भारत में कहीं भी किसी भी शाखा में HDFC में आप नगर निगम का, लखनऊ नगर निगम का आपका अपना हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं। मतलब कि जैसे आपका घर लखनऊ में है लेकिन आप रहते कहीं और हैं, आप कई साल तक नहीं आते हैं, आपका हाउस टैक्स बकाया हो जाता है, तो उस स्थिति में एक अच्छी खबर है कि आप किसी भी शाखा के माध्यम से, चाहे आप नहीं नगर निगम के ऑफिस जा पा रहे हैं, आपके बैंक के पास, आपके घर के पास, आपके ऑफिस के पास अगर HDFC की कोई शाखा है तो वहाँ पर आप ये बिल जमा कर सकते हैं। हालांकि ये सुविधा अन्य नगर निगमों में बहुत पहले से है। यहाँ लखनऊ में कई सरकारी बैंकों से बातचीत चलने के बाद वो बातचीत नहीं बनी, लेकिन आज फ़िलहाल HDFC बैंक के साथ नगर निगम लखनऊ का एक समझौता मेयर संयुक्ता भाटिया ने कर दिया है। उन्होंने भी यही बात कही, कहने लगे कि आप किसी भी मोहल्ले में हैं, 40 शाखाएं हैं यहाँ पर लखनऊ में HDFC की, तो किसी भी शाखा, कोई ना कोई शाखा तो आपके पास में होगी ही, तो वहाँ जा कर के आप अपना ये बिल जमा कर सकते हैं। हालांकि नगर निगम ऑनलाइन भी अपना चलाता है लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आप बिजली का बिल जमा करने जाते हैं, वहाँ हाउस टैक्स जमा कर देते हैं या ऑनलाइन जमा कर देते हैं, तो वो 3-3 महीने तक नगर निगम के खाते में नहीं आता है। ये भी नगर निगम को सोचना पड़ेगा कि ये भी इस व्यवस्था को भी सुधार लें। इसके साथ साथ एक अच्छी बात ये है कि अगर आप HDFC बैंक के ग्राहक नहीं हैं तो भी आप वहाँ शाखा में जा कर के, किसी भी HDFC बैंक की शाखा में जा कर के आप पेमेंट जमा करा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि नगर निगम का राजस्व बढ़ेगा, नगर में और जो जल भराव के कार्य हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो नगर निगम फंड के कारण नहीं कर पा रहा है। अगर सही मात्रा में हाउस टैक्स जमा होने लगेगा, एक रेवेन्यू नगर निगम को मिलने लगेगी, तो निश्चय है कि नगर निगम भी आगे कार्य और अच्छी तरीके से, सुचारू रूप से कर सकेगा। वहीं संजीव कुमार जो ब्रांच हेड थे, उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि हमने ये साझेदारी करी है और जल्दी ही हम इसके गेटवे, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को भी खोलने का काम, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सके, ये हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए हमें लगता है कि ये विशेष अवसर है जिसके लिए हमें लगता है कि उनको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि 40 आपकी ब्रांचेस हैं और 40 ब्रांचेस में मौका मिलेगा लोगों को, किसी के घर के पास हर एरिया में लगता है ब्रांचेस होती हैं। और एक बहुत बड़ी सुविधा हम लोगों ने आपके बैंक के द्वारा जो मिली है हमारे कस्टमर को, और नगर निगम की हमेशा ये कोशिश रही है, जबकि जब से मैं महापौर बनी और मैंने हमेशा से ये कोशिश की है, और पहले भी हमारे जो नगर निगम के लोग थे हमेशा से कोशिश करते आए हैं, और हम सब ये कोशिश करते हैं कि हमारे ग्राहकों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिले, उनको आगे बढ़ाने में हम सुविधा देने में सफल हों, ऐसी हम सबकी, नगर निगम की भी और बैंक की भी, दोनों की कामना है, उस कामना की प्रतिपूर्ति हो और हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।
कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप जैसे सभी लोगों से मिलने का एक विशेष अवसर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जब आज हजरतगंज में बापू भवन के पास HDFC बैंक की शाखा में महापौर ने HDFC के साथ इस अनुबंध को किया, तो वहीं पर पुष्पा वर्मा और जितेंद्र कुमार वर्मा मौजूद थे, जिन्होंने सबसे पहले HDFC बैंक में अपना ग्रहकर, अपना हाउस टैक्स जमा किया और पहले ग्राहक बने। तो दोस्तों, आप भी इस सुविधा को देखें और